अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो है रात को बारिश जो है बहुत तेज़ हुई है, उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, एंड तक पूरी वीडियो देख लेना। और यहाँ पर जो है कितना नुकसान हुआ, और आज डेट जो है 20 जुलाई है, तो रात को बारिश बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हुई है। और सारे लोग डर चुके थे और जो है अपने अपने मकानों को छोड़कर जो दरिया के किनारे थे वो जो है भाग चुके थे पहले ही। तो जानी नुकसान तो फ़िलहाल सुनने में कुछ भी नहीं आया, लेकिन जो माल वगैरह का नुकसान है और मकानात का, वो सब दिखाएंगे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, लोग भी बहुत सारे जमा हैं। और यहाँ दो तरह के नाले, एक वो वहाँ से आता है और दूसरा यहाँ से आता है। ये दोनों दरिया यहाँ मिलते हैं। और नीचे जो है टूरिज्म की बिल्डिंग थी, ये तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, इसमें कोई नहीं था। लेकिन इससे आगे जो मकानात थे और एक प्राइवेट स्कूल था, एकेडमी थी एक, मैं आपको दिखाता चलूँ। जो सामने आपको छोटा सा दिख रहा है, मैं नज़दीक जाकर भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी एकेडमी थी, इसके आसपास में एक मकान था जो टीन दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर लेंटर वाला एक मकान था, और ग्राहट थे जो पुराने ज़माने के ग्राहट होते थे, चक्की जिसको बोलते हैं आटे पीसने की, तो वो भी यहाँ पर तीन थे। वो तीनों के जो है तीन यहाँ से निकल चुके हैं, वो तीनों जो है दरिया के ज़रिए से बह चुके हैं। चलिए नीचे देखकर बाकी नुकसान भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो पुल था इसके भी बहुत ख़राबी हुई है। यहाँ पर एक एकेडमी थी जो आपको सामने दिख रहा है। ये देख लीजिए, ये रोड की हालत, ऊपर से नाला आया है। यहाँ पर मेरे भाई का मकान है, सामने दिख रहा है दरख्त के पीछे, मेरे भाई का मकान है। और उनकी बाइक यहाँ लगी रहती थी हमेशा, यहाँ पर मलबे के अंदर सो रही है। देखिए हालत ख़राब है बाइक की, बिल्कुल नई फ्रेश बाइक ली थी सिर्फ 2 महीने पहले। उसके अलावा यहाँ पर पूरा रोड ब्लॉक है यहाँ पर।